नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा। आप एक एनजीओ चला रहे हैं, एनजीओ चलाते समय कैश डोनेशंस को रिसीव करने को लेके बेसिक लॉ क्या है, क्या लिमिटेशंस इनकम टैक्स एक्ट आप पे लगाता है, ये आपको पता होना ही चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है। मैं एक डोनर हूँ, मैंने आपको अप्रोच किया, आप एक एनजीओ चला रहे हैं, मैंने आपके एनजीओ को 1,00,000 रुपए की नकद डोनेशन देने का एक ऑफर दिया है, तो सवाल ये उठता है कि क्या आप इस 1,00,000 रुपए के दान को ले सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हम तो ऐसा नहीं ले सकते। तो हमें कानून में लिखी हुई थ्रेशहोल्ड लिमिट को समझना होगा और कैश डोनेशन को लेने को लेकर डोनर पे क्या इम्प्लीकेशन है और एनजीओ पे क्या इम्प्लीकेशन है, ये हमें समझना होगा। जब हम इसे समझ लेंगे तो हम कानून की परिभाषित की गई सीमाओं के अंदर रह के अपने एनजीओ को और भी अच्छे से चला सकते हैं। तो आइए समझते हैं कानून क्या है। मैंने आपके एनजीओ को ऑफर किया कि मैं आपको 1,00,000 रुपए का दान देना चाहता हूं, क्या करें इसका? तो इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको दोनों एंगल से देखना होगा। डोनर के एंगल से, मैं आपके एनजीओ को दान देना चाहता हूं, मैं हूं डोनर और आप हैं डोनी या एनजीओ, तो हम दोनों पे अलग अलग नियम लागू होते हैं। दोनों प्रोविजंस को समझना होगा जिससे आप अपने आप को भी एजुकेट कर पाएंगे, अपने डोनर्स को भी एजुकेट कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस अपने एनजीओ के लिए इकट्ठी कर पाएंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 269ST। सेक्शन 269ST कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति से एक दिन में एक घटना, एक इवेंट के फल स्वरूप एक दिन में 2,00,000 रुपए या 2,00,000 रुपए से ज़्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति। ये केवल एनजीओ के लिए नहीं है, कोई भी व्यक्ति, कंपनी है, फर्म है, एनजीओ है, एचयूएफ है, इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति से एक दिन में एक ट्रांजैक्शन, एक इवेंट के संबंध में 2,00,000 रुपए या 2,00,000 रुपए से ज़्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकता। इस कानून को हम ढंग से पढ़ें, उल्टे तरीके से पढ़ें, तो यह भी हो सकता है कि एक व्यक्ति एक दिन में एक व्यक्ति से 1,99,999 रुपए कैश रिसीव कर सकता है। तो मेरा ऑफर क्या था, मेरा ऑफर यह है कि मैं आपके एनजीओ को 1,00,000 रुपए नकद दान देना चाहता हूं, तो क्या आप ये नकद दान ले सकते हैं? अब सेक्शन 269ST को जब हमने पढ़ा तो इसका जवाब हां में है कि हां, आप एक एनजीओ चला रहे हैं, आप किसी भी डोनर से एक दिन में 1,99,999 रुपए तक कैश रिसीव कर सकते हैं। आपको इस बात का सख्त ध्यान रखना है, यदि आप किसी भी व्यक्ति से एक दिन में एक ही डोनेशन के तौर पर 2,00,000 रुपए या 2,00,000 रुपए से ज्यादा का दान नकद रिसीव करेंगे तो फिर सेक्शन 271DA के तहत उतनी ही अमाउंट की आप पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो जब भी आप जीवन में किसी व्यक्ति से कैश रिसीव करें डोनेशन के तौर पर, तो आपको इस थ्रेशहोल्ड लिमिट का ध्यान रखना है कि आपको नकद डोनेशन केवल और केवल 1,99,999 रुपए तक ही रिसीव करनी है एक व्यक्ति से एक दिन में, नहीं तो पेनल्टी लगाई जाएगी। और पेनल्टी लगाने के लिए भी डिपार्टमेंट को, अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास बहुत ही गुड और सफिशिएंट रीजंस हैं, बहुत बड़ी मजबूरी थी आपकी, एक डोनर ने आपको एक दिन में ही 5,00,000 रुपए नकद डोनेशन दे दी, तो एग्जांपल लेते हैं, आप एक एनजीओ चला रहे हैं, आपको किसी बच्चे के इलाज के लिए उसकी मेडिकल फीस पर, उसके मेडिकल एक्सपेंस पर 5,00,000 रुपए खर्च करने थे, अब एक डोनर ने आपको अप्रोच किया या आपने एक डोनर को अप्रोच किया, डोनर ने आपको दे दिए 5,00,000 रुपए नकद। अब यहां पे, और वो पैसे आपने एनजीओ से एक हॉस्पिटल को दे दिए, यहां पर एक व्यक्ति के जीवन को बचाने का सवाल था, तो आपके पास बहुत ही गुड और सफिशिएंट रीजन है। अगर आपने 5,00,000 रुपए भी नकद रिसीव कर लिए हैं और इसे एक बच्चे के इलाज पे खर्च किया जो कि बहुत ही इमरजेंसी थी उस समय, तो ऐसे केस में इफ यू हैव गुड एंड सफिशिएंट रीजंस तो आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। तो द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट लॉ इज टू नो द लॉ, यह आपको समझना है। अब हम इसी ट्रांजेक्शन का एक और पहलू समझते हैं। मैं एक डोनर हूं, मैंने आपको अप्रोच किया कि आप एक बहुत अच्छा एनजीओ चला रहे हैं, मैं आपके एनजीओ के काम से बहुत ही संतुष्ट हूं,
सचमुच में आप जो काम कर रहे हैं मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और मैं हर महीने आपको 50,000 रुपये हर महीने की 5 तारीख को आपको कैश में डोनेशन देना चाहता हूँ। तो पूरे साल की डोनेशन हो जाएगी 6,00,000 रुपये। तो क्या आप ये कर सकते हैं? फिर से सेक्शन 269ST को पढ़ेंगे। सेक्शन 269ST में हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति एक दिन में एक घटना के फल स्वरूप 2,00,000 रुपये या 2,00,000 रुपये से ज़्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकता, अदरवाइज रिसीव करने वाले पर पेनल्टी होती है। तो यहाँ क्या है, एक व्यक्ति आपको साल में 12 बार डोनेशन देगा 50,000 रुपये के भाव से, 12 अलग अलग ट्रांजेक्शन होंगी हर महीने। तो यहाँ भी सेक्शन 269ST के प्रोविजंस का कोई वायलेशन नहीं होता। भले ही एक व्यक्ति ने आपको पूरे साल नकद डोनेशन 6,00,000 रुपये दे दी है जो 2,00,000 रुपये से ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद सेक्शन 269ST को वायलेट नहीं किया गया है, तो आप ये 50,000 रुपये पर मंथ डोनेशन कैश में अपने डोनर से ले सकते हैं। अब इसी ट्रांजेक्शन का जो दूसरा पहलू है, यानी कि डोनर के लिए क्या इम्प्लीकेशन है, तो डोनर के लिए बहुत ही छोटी सी इम्प्लीकेशन है। मैंने आपके NGO को 50,000 रुपये कैश डोनेशन दी है, तो हमें सेक्शन 80G सब सेक्शन 5D को रेफर करना होगा। सेक्शन 80G सब सेक्शन 5D कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि 2,000 रुपये से ज़्यादा नकद डोनेशन देगा तो उसे सेक्शन 80G का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो मैंने आपके NGO को 1,99,999 रुपये कैश में एक दिन में डोनेशन दे दिया, या पूरे साल मैंने आपके NGO को 6,00,000 रुपये 50,000 रुपये हर महीने मैंने आपके NGO को डोनेशन दिया, तो पूरे साल में 6,00,000 रुपये का कैश डोनेशन दे दिया। मेरे ऊपर इसकी इम्प्लीकेशन केवल इतनी है कि मुझे ये जो 6,00,000 रुपये की डोनेशन मैंने आपके NGO को दी है, इसका मुझे सेक्शन 80G में कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैंने सेक्शन 80G सब सेक्शन 5D में जो थ्रेश होल्ड लिमिट लिखी गई है वो केवल 2,000 रुपये है। तो 2,000 रुपये से ऊपर यदि मैं नकद दान आपको देता हूँ तो मुझे इसकी कोई टैक्स डिडक्शन नहीं मिलती अंडर सेक्शन 80, कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मुझे मिलता। तो हो सकता है मैं अपनी टैक्स रिटर्न भरते समय नई रिजीम के अनुसार टैक्स रिटर्न भरता हूँ, या टैक्स डिडक्शन लेना सेक्शन 80G के तहत ये मेरे एजेंडा में है ही नहीं। जब मैं आपको 50,000 रुपये हर महीने नकद डोनेशन दे रहा हूँ तो मैं तो आपके NGO को काम को सल्यूट करने के लिए दे रहा हूँ, मुझे टैक्स बेनिफिट चाहिए ही नहीं था। तो ऐसे में मेरे ऊपर कोई एज सच इम्प्लीकेशन नहीं आने वाली है। तो कैश डोनेशन को लेके सेक्शन 269ST, सेक्शन 271DA, सेक्शन 80G सब सेक्शन 5D, ये तीनों आपको समझने होंगे। आपको सबसे पहले खुद समझना है, फिर अपने डोनर्स को भी एजुकेट करना है, और जब आप इन सब चीज़ों को इकट्ठे रख के देखेंगे, अपने डोनर्स को आप और एजुकेट कर पाएंगे और नॉलेज से इम्पावर कर पाएंगे, तो अपने NGO के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने NGO के मेन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप डोनेशन इकट्ठी कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ लॉ, कोई डोनर आपको कैश में डोनेशन देना चाहता है और आप कानून से डरते डरते कैश में डोनेशन देने से साफ साफ मना कर देते हैं, तो विच कैन सम टाइम एक्ट एज ए लिमिटेशन ऑन योर NGO। सो आइए इस कानून को सही से जानें और आपके NGO के लिए और भी बेहतरी से आप खुद काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।